So hello guys, welcome to Goodwill Education, your own channel. That is one stop destination for your English. आज की वीडियो बहुत ज़्यादा खास है. आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके आया हूँ. कई सारे दिनों से मैं देख रहा हूँ कि WhatsApp पे, Telegram पे, कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे कई सारे बच्चे मैसेज कर रहे हैं कि सर मोटिवेशन की जरूरत है. तो यार मोटिवेशन की जरूरत पड़ क्यों रही है? एग्जाम टाइम पे हमेशा हर एक बच्चे को मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है. तो ऐसा क्या रीजन है जिसकी वजह से आपको मोटिवेशन की जरूरत पड़ रही है? देखो, आज मैं कहीं ना कहीं एक स्टडी प्लान भी लेके आया हूँ. उस स्टडी प्लान के जरिए आप लोगों के बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं अगर आप सीरियसली उस स्टडी प्लान को फॉलो करोगे. लेकिन उससे पहले कुछ बारीकियां हैं जो हमारे को ध्यान से समझनी होंगी. अगर हम उन बारीकियों को समझ जाते हैं तो अल्टीमेटली हमारा वो स्टडी प्लान सक्सेसफुल हो सकता है. लेकिन अगर हम उन चीजों पर ध्यान नहीं देंगे तो हमारा स्टडी प्लान एक बहुत बड़ा फ्लॉप साबित होगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं वो बारीकियां क्या है, वो कौन सी चीजें जिन पर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, और अगर ध्यान दे रहे हैं तो शायद हम एक सही तरीके से ध्यान नहीं दे रहे हैं. तो चलिए गाइस कंटिन्यू करते हैं अपनी इस वीडियो को. तो गाइस सबसे पहले वो स्टूडेंट्स जो कहीं ना कहीं प्रिपेयर्ड नहीं है, जिनकी लैक ऑफ प्रिपरेशन है, तो फर्स्ट चीज है गाइस लैक ऑफ प्रिपरेशन. वो बच्चे जिन्होंने अभी तक अपनी तैयारी नहीं की है, एक बात बताओ, अगर आपने अभी तक तैयारी नहीं की है और तैयारी ना होने की वजह से आप हेजिटेट कर रहे हो, तो यहाँ पे कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है इस बात को समझने में कि आप हेजिटेट क्यों रहे हो. आपके हेजिटेशन का कारण है आपका लैक ऑफ प्रिपरेशन. अगर आपने अपनी प्रिपरेशन अच्छे से नहीं की है तो ऑब्वियस सी बात है आपका जो रिजल्ट है वो फेवरेबल नहीं होने वाला है और आप हेजिटेटेड फील करोगे, इस चीज में कोई भी डाउट नहीं है. तो अल्टीमेटली मेरा ये पर्सनली मानना है कि आप लोगों को व्हाट टू डू, इट मींस क्या स्टडी प्लान होना चाहिए, इस बात को समझना ही पड़ेगा. जब तक आप इस बात को नहीं समझोगे तब तक आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिलने वाले हैं. तो मैं मानता हूं कि आप डायरेक्टली व्हाट टू डू मैं स्टडी प्लान के अंदर आप क्या करो, इस चीज को देखो, इस चीज को समझो. हालांकि मैं अब बात करना चाहता हूं दूसरी कैटेगरी के स्टूडेंट्स की भी. अब दूसरी कैटेगरी के स्टूडेंट्स कौन है जो कहीं ना कहीं लैक ऑफ प्रैक्टिस करते हैं. वो बच्चे कहीं ना कहीं प्रिपरेशन में लैक नहीं कर रहे हैं, वो बच्चे मेहनत में कहीं लैक नहीं कर रहे हैं. मेहनत वो पूरी कर रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं उसका आउटपुट उनको नहीं मिल रहा है, कहीं ना कहीं वो डिजायर्ड रिजल्ट उनको नहीं मिल पा रहा है जो उनको चाहिए. वो 5-5 घंटे 6-6 घंटे लगे हुए हैं लेकिन एक गलत डायरेक्शन में लगे हुए हैं, और उस गलत डायरेक्शन में लगे रहने की वजह से उनको वो आउटपुट नहीं मिल पा रहा. जस्ट इमेजिन मुझे किसी एक प्लेस पे जाना है लेकिन मुझे उसका रास्ता नहीं पता, तो अल्टीमेटली क्या होने वाला है, मेरे को टाइम तो बहुत ज्यादा लगेगा, मैं चलूंगा भी, मेहनत भी करूंगा लेकिन एट द एंड में उस डेस्टिनेशन पे पहुंच नहीं पाऊंगा. तो यही प्रॉब्लम हो रही है उन स्टूडेंट्स के साथ. क्यों हो रही है? क्योंकि वो प्रिपरेशन तो बहुत ज्यादा कर रहे हैं लेकिन वो उस चीज को प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं. इसका मतलब कि अगर मैं एक कॉमर्स स्टूडेंट हूं तो मैं दिन रात इकोनॉमिक्स पढ़ रहा हूं, बिजनेस स्टडीज पढ़ रहा हूं, अकाउंट्स पढ़ रहा हूं, उसको लेके बैठा हुआ हूं लेकिन मैं उस चीज को आउटपुट में निकाल नहीं रहा हूं. इट मींस मैं उस चीज को पेपर पे नहीं उतार रहा हूं, मतलब उसका जो रिजल्ट है वो मुझे नहीं मिल पा रहा है. तो इसके लिए करने की जरूरत क्या है गाइस? इसके लिए करने की जरूरत है प्रैक्टिस. इट मींस जो भी चीज आप पढ़ते हो आपको उसकी प्रैक्टिस भी करनी है, आपको उसे एक्सपीरियंस भी करना है. कई सारे बच्चे जो दिन रात लगे रहते हैं, काफी ज्यादा मेहनत करते हैं, एट द एंड उनका रिजल्ट नहीं आता, तो वो अपने आप से पूछते हैं यार मैंने मेहनत की लेकिन फिर भी मेरा रिजल्ट नहीं आया, तो कमी कहां पे रह गई? तो गाइस कमी रह जाती है चीजों को प्रैक्टिस करने में, चीजों को उतारने में. एक्चुअली में आप कितना एक्सप्रेस कर पा रहे हो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि ये कि आप कितनी ज्यादा मेहनत कर रहे हो. ज्यादा इंपॉर्टेंट हार्डवर्क नहीं होता गाइस, ज्यादा इंपॉर्टेंट स्मार्ट वर्क होता है. तो इन द सेम मैनर मैं यहां पे आप लोगों को ये समझाना चाहूंगा, जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं लेकिन फिर भी अगर उनको आउटपुट नहीं मिल रहा है तो उसका कारण है उनका लैक ऑफ प्रैक्टिस. और आज का जो ये स्टडी प्लान है इसके अंदर मैं आप लोगों को दोनों चीजों के बारे में बताने वाला हूं. वो बच्चे जिन्होंने अभी तक अपनी प्रिपरेशन नहीं की है वो प्रिपरेशन कैसे करेंगे ये भी बताने वाला हूं, और साथ के साथ वो बच्चे जो प्रिपरेशन कर रहे हैं लेकिन फिर भी वो लैग कर रहे हैं, उनका आउटपुट नहीं निकल पा रहा है, तो वो कैसे निकलेगा उसके बारे में मैं बात करने वाला हूं. तो चलिए बात करते हैं अब हम तीसरी चीज के बारे में जो कि है क्या, स्टडी प्लान. So, देखो गाइस सबसे इंपॉर्टेंट और सिंपल सी बात यह है कि अगर मैं आग में हाथ डालूंगा तो मेरा हाथ जल जाएगा लेकिन उसके बावजूद मैं आग में हाथ नहीं डालता क्योंकि मुझे पता है कि इमीडिएटली मुझे एक बहुत ही नेगेटिव इंपैक्ट मिलने वाला है, मुझे जलन मचेगी, मेरा हाथ जो है वो जल जाएगा. तो ऑब्वियस सी बात है अगर मैं प्रिपरेशन नहीं करूंगा तो मेरा अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा, ये चीज भी तो मुझे पता है लेकिन उसके बावजूद मैं प्रिपरेशन नहीं कर रहा हूं. तो ऐसा क्या रीजन है कि मैं एक तरफ आग में तो हाथ नहीं डाल रहा, मुझे पता चल जाएगा, लेकिन दूसरी जगह जहां मुझे पता है प्रिपरेशन नहीं करूंगा तो बुरा रिजल्ट आएगा, उसके बावजूद मैं प्रिपरेशन नहीं कर रहा हूं, तो क्या रीजन है? इसका रीजन है गाइस इंपैक्ट कितने टाइम में आता है. तो यहाँ पे आग में जब हाथ डालते हैं तो इमीडिएटली रिजल्ट आ जाता है, हाथ जल जाता है, लेकिन जब पढ़ते नहीं है ना तो रिजल्ट जो आता है
वो काफी टाइम बाद आता है यार। जो फिजिकल बर्न होता है ना, वो एक बार को अपना जो पेन है वो लूज कर देता है एक टाइम पे जाके, लेकिन जो मेंटल पेन होता है, जो साइकोलॉजिकल पेन होता है, वो सबसे ज्यादा डीप और एवर लास्टिंग पेन होता है। तो मेरी अगर बिलीव करो, मेरी बात अगर मानो, तो ये जो पेन है ना, आप प्रिपरेशन जो नहीं कर रहे हो और उसके बाद जो आपका रिजल्ट आने वाला है और बहुत बेकार आने वाला है, ये एक एवर लास्टिंग पेन होगा। आप जब भी अपने मार्क्स के बारे में याद करोगे, जब भी आप अपनी 12th की मार्कशीट को देखोगे, तो ये आपको हमेशा दर्द देगा। तो इसीलिए मेरा ये मानना है कि आपको प्रिपरेशन पे ध्यान देना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि प्रिपरेशन करोगे कैसे, तो चलिए अब मैं उसकी बात करता हूं। देखिए, सबसे पहली चीज यहाँ पे मैंने लिखी हुई है टोटल टाइम। अब देखो, हर एक बच्चे के पास 24 घंटे ही होते हैं एक दिन के अंदर। एक बच्चा अगर टॉपर है, एक बच्चा अगर एवरेज है, और एक बच्चा अगर फेलियर है, तो इन तीनों बच्चों के पास टोटल टाइम जो होता है वो 24 आवर्स का ही होता है। उसके बावजूद कई सारे बच्चे जो फेलियर होते हैं या एवरेज होते हैं, इवन टॉपर्स भी, वो ये क्यों कहते रहते हैं कि यार टाइम नहीं मिल रहा, टाइम नहीं मिल रहा, टाइम नहीं मिल रहा। जबकि वो बच्चा जो 100 out of 100 स्कोर करने वाला है, उसको भी तो उतना ही टाइम मिल रहा है ना जितना हमारे को मिल रहा है। तो यहाँ पे डिफरेंस किस चीज का आता है गाइस? डिफरेंस इस चीज का आता है कि हम अपने टाइम को मैनेज नहीं कर पाते हैं, और जब हम अपने टाइम को मैनेज नहीं कर पाते तो अल्टीमेटली हम बहुत सारा टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं। तो आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको अपने टाइम को इफेक्टिवली यूज करना है, और उसी को हम क्या कहते हैं, टाइम मैनेजमेंट कहते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ टाइम मैनेजमेंट आप करोगे कैसे, और अपने स्टडी प्लान को कैसे तैयार करोगे कि आपको लास्ट के जो 2.5 महीने बचे हुए हैं उसके अंदर अपनी प्रिपरेशन कैसे करनी है। सबसे पहली चीज है टोटल टाइम। तो ये तो हम सबको बताया कि टोटल टाइम हमारे पास कितना है, हमारे पास टोटल टाइम है 24 आवर्स इन अ डे, ठीक है। अब मैं बात करता हूं ऑक्यूपाइड टाइम की। तो टोटल टाइम माइनस ऑक्यूपाइड टाइम क्या हो जाएगा, हमारा फ्री टाइम आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे सुमित सर का फॉर्मूला है, ठीक है। टोटल टाइम माइनस ऑक्यूपाइड टाइम इक्वल्स टू फ्री टाइम। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका फ्री टाइम कितना है जिसके अंदर आप अपनी स्टडीज कर सकते हो। तो ऑब्वियसली बात है टोटल टाइम 24 आवर्स है। अब ये ऑक्यूपाइड टाइम कितना है, ऑक्यूपाइड टाइम हमारा फिक्स नहीं होता है, किसी का ज्यादा भी हो सकता है, किसी का कम भी हो सकता है। अब ये डिपेंड करता है आपके डेली स्केड्यूल के ऊपर कि आप भाई कितने बजे उठते हो, कितने बजे सोते हो, टोटल आप कितना सोते हो, कितनी देर में आप खाते हो, नहाते हो, और कितनी आप क्लासेस लेते हो, कितने सब्जेक्ट्स आप पढ़ रहे हो, स्कूल की कितनी क्लासेस होती हैं, ट्यूशन की कितनी क्लासेस होती हैं, सेल्फ स्टडी के लिए आप कितना टाइम दे रहे हो, हर एक चीज पे डिपेंड करता है आपका ऑक्यूपाइड टाइम। तो मैंने यहाँ पे दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है, MWF और TTS, क्योंकि हमारी जो क्लासेस होती हैं वो रेगुलर फिक्स नहीं होती, किसी की कोई क्लास MWF में हो रही होती है, कोई क्लास TTS में हो रही होती है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि हमारे फिक्स शेड्यूल के अंदर आती हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई मैं अगर स्लीपिंग की बात करता हूं तो मैं रोज सोऊंगा, मैं ईटिंग की बात करता हूं तो मैं रोज खाऊंगा, ऐसे फ्रेश होने की बात हो गई, या कई सारे ऐसे काम होते हैं। जैसे कोई कोई बच्चा होता है जो अपने पेरेंट्स को भी सपोर्ट करता है काम वाम के अंदर, ठीक है, तो उसे पता है कि यार मुझे रोज 1 घंटे दुकान पे बैठना ही है, मुझे रोज 1 घंटे अपनी मदर की हेल्प करनी है, तो वो भी मेरा फिक्स शेड्यूल के अंदर आ सकता है। तो दो तरीके की चीजें हैं यहाँ पे काम के अंदर, एक है हमारा फिक्स शेड्यूल और एक है हमारा टेम्पररी शेड्यूल। तो आपको करना क्या होगा, आपको यहाँ पे अपना टाइम नोट करना पड़ेगा कि आपका ऑक्यूपाइड टाइम कितना है। लेट्स से MWF के अंदर मैं 8 घंटे सोता हूँ, मैंने बोला मैं 8 घंटे सोता हूँ, कोई कोई बच्चा 7 घंटे भी सोता है, कोई 6 घंटे भी सोता है, कोई 9 घंटे भी सोता है। मेरा ये मानना है कि ऑन एन एवरेज 7 से 8 घंटे आपके लिए इनफ टाइम है, लेकिन उसके बावजूद कोई बच्चा 11, 12 घंटे सो रहा है और लास्ट में जाके ये कह रहा है कि सर मुझे टाइम नहीं मिल रहा, तो या तो ये तो बहुत बड़ी बेवकूफी है यार। कोई बच्चा बेवकूफी होगा जो ऐसा करेगा, क्यों? क्योंकि यार तुम 12 घंटे सो रहे हो और कह रहे हो मेरे को टाइम नहीं मिल रहा है, तो ये तो भाई अजब अजब गजब, अब तुम समझ जाओ क्या है, ठीक है। तो 8 आवर्स आपका स्लीपिंग टाइम अगर मैंने मान लिया, जो कि बहुत ज्यादा है, 7 घंटे से भी 1 घंटा ज्यादा, 7 घंटे इनफ है आपके लिए, फिर भी हमने 8 घंटे मान लिया, ठीक है। इसके बाद मैं ईटिंग की बात करूं तो सुबह दोपहर रात सारा मिला के मैं 2 आवर्स अगर कंसिडर कर लेता हूं, ठीक है, आपकी स्कूल की ऑनलाइन क्लास मान लेते हैं टीचर्स ने कंपलसरी कर रखी है और रोज आपकी 3 घंटे की क्लास होती है, ठीक है। अब मान लेते हैं आपके 5 सब्जेक्ट हैं, आप 5 के 5 पढ़ रहे हो, 2 सब्जेक्ट MWF में पढ़ रहे हो, 3 सब्जेक्ट TTS में पढ़ रहे हो, तो 2 घंटे आपके ये हो गए। और हर एक चीज को देखो मैं ज्यादा नहीं चल रहा हूँ, मान लेते हैं आपका 2 घंटे का ट्यूशन है, आपको आने जाने में भी टाइम लग जाता है, आप कहते हो सर मेरे को आना जाना पड़ता है, मुझे टाइम लग जाता है, तो 2.5 आवर्स आपके यहाँ पे हो गए, ठीक है। इसके अलावा आपने बोला सर मुझे रेस्ट भी चाहिए होता है 1 घंटे का, तो आपने क्या करा 1 आवर यहाँ पे लिख दिया भाई अपने रेस्ट के लिए, और इसके अलावा भी आपने कोई टाइम यहाँ पे कंसिडर कर लिया, कोई भी चीज हो सकती है, हो सकता है आप अपनी मदर की हेल्प कर रहे हो, फादर की हेल्प कर रहे हो, तो आपने 1 घंटा वहां पे एक्स्ट्रा इस चीज का भी लगा लिया। अब ये सारा टाइम आप मिला लो MWF के अंदर, देखो 8, 2, 10 और 3, 13, 13 और 2, 13 और यहाँ पे 2.5 है, सॉरी 2.5 है, तो 15.5 और 1 16.5 और 1 17.5, तो आपका टोटल टाइम कितना हुआ 17.5 आवर्स। अगर मैं इसे ऑन एन एवरेज 18 घंटे भी मान लेता हूं, जबकि मैंने हर एक चीज को ज्यादा ज्यादा टाइम दिया है, देख लो मैंने हर एक
चीज को ज्यादा ज्यादा टाइम दिया है, उसके बावजूद मेरे 18 घंटे हो रहे हैं। मैंने यार रेस्ट का टाइम भी ले लिया, मम्मी पापा को भी देने का टाइम ले लिया, मैंने आधे घंटे चलने का भी ले लिया क्लासेस के लिए, इसके अलावा 7 घंटे की जगह 8 घंटे मैंने सोने के भी ले लिए, उसके बावजूद यहाँ पे खाली 18 घंटे आ रहे हैं। मैंने ऑनलाइन क्लास स्कूल का भी ले लिया, ट्यूशन का भी ले लिया, सब चीज ले लिया, उसके बावजूद 18 घंटे टोटल टाइम हो रहा है। इसका मतलब MWF में आपके पास कितना टाइम बचा हुआ है अभी, 6 आवर्स। उसके बावजूद हम क्या कह रहे होते हैं कि यार मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है। अजब चीज है यार ये, मतलब टाइम होने के बावजूद हम कह रहे होते हैं हमारे पास टाइम नहीं है। अब सेम शेड्यूल मेरा यहाँ पे हो सकता है, पूरा का पूरा सेम शेड्यूल मेरा यहाँ पे हो सकता है। हो सकता है मेरी एक क्लास यहाँ पे ज्यादा हो, यहाँ मैंने 2 सब्जेक्ट लिए थे, यहाँ 3 सब्जेक्ट ले रहा हूँ, तो एक बार को मेरे यहाँ पे 19 आवर्स ऑक्यूपाइड टाइम हो सकता है, फिर भी मेरे पास 5 घंटे बच गए, और यहाँ मैंने रेस्ट टाइम और सब कुछ ले लिया है। और क्या हर एक बच्चा 5 सब्जेक्ट पढ़ रहा होता है? क्या हर एक बच्चा अपने स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस ले रहा होता है? क्या हर एक बच्चा ये सारी की सारी चीजें कर रहा होता है? नहीं कर रहा होता, लेकिन उसके बावजूद हम कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है। हद होती है, ये सब कुछ लेने के बावजूद हमारे पास फ्री टाइम है, उसके बावजूद हम कह रहे होते हैं हमारे पास टाइम नहीं है। तो मैं सबसे पहली चीज आप सबको यही बोलूंगा, सबसे पहला स्टेप क्या है स्टडी प्लान के अंदर, कि आप अपना फ्री टाइम निकालो और अपने माइंड से ये मिथ निकाल दो कि मेरे पास टाइम नहीं है। सबसे पहले आपको इस चीज को मानना होगा कि आई हैव फ्री टाइम, क्योंकि जब तक आप ये कहते रहोगे टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, अल्टीमेटली आपका माइंड आपको सेटिस्फाई करते रहेगा कि यार तेरे पे टाइम नहीं तो पड़ेगा कैसे, तेरे पे टाइम नहीं तो तू पड़ेगा कैसे। तो आपको पहले ये कैलकुलेट करके निकालना पड़ेगा MWF के लिए और TTS के लिए। ये आपका स्टेप नंबर 1 है स्टडी प्लान का। आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। सो गाइस, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे डिवाइडिंग द टाइम। मतलब आपने अपना टाइम कैलकुलेट कर लिया, उसके बाद आपने कहा कि सर मेरे पास MWF में 6 आवर्स है, किसी के पास ज्यादा भी हो सकते हैं, किसी के पास कम भी हो सकते हैं, सिनेरियो अलग अलग हो सकता है। TTS में मान लेते हैं मेरे पास 5 घंटे का टाइम है, तो अब मेरे को क्या करना है, अपने सब्जेक्ट्स के लिए टाइम डिवाइड करना है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। अब देखो, कई सारे बच्चे कॉमन मिस्टेक कर रहे होते हैं और ये बहुत बड़ी बेवकूफी होती है, मुझे समझ नहीं आता कि बच्चे ऐसा क्यों करते हैं। क्या कर रहे होते हैं, 5 सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हैं रोज 5 सब्जेक्ट, मतलब कॉमर्स है तो मान लो मैथ्स, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, BST, इंग्लिश सब रोज पढ़ना है। अरे हद होती है यार, मतलब रोज हर एक सब्जेक्ट तुम पढ़ सकते हो, कैन यू इमेजिन दैट? और अगर पढ़ लोगे तो कुछ नहीं होने वाला, रायता फैल जाएगा पूरा का पूरा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको रोज सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ने होते, खाली वो सब्जेक्ट रोज पढ़ने होते हैं जो आपका सबसे ज्यादा वीक पोर्शन है, जो आपकी दुखती नब्ज है, आपको रोज उसको पढ़ना होता है, उसको आपको सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करना होता है। लाइक मैथ्स डिमांड्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। वहीं पे मैं अगर अकाउंट्स की बात करूं, अगर कोई सब्जेक्ट मेरा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो मुझे उसको रोज पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन वहां बच्चे क्या कर रहे होते हैं, उसे कभी पढ़ ही नहीं रहे होते। अगर स्ट्रॉन्ग होता है तो कभी पढ़ ही नहीं रहे होते। ये भी एक बहुत बड़ी गलती है कि ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना कि आप एक एक महीने, दो दो महीने तक एक सब्जेक्ट को टच ही ना करो, तो अल्टीमेटली आपकी ओवरऑल परसेंटेज वहां पे लैक करेगी। एक सब्जेक्ट में तो आपकी बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, दूसरे में आपके बहुत खराब मार्क्स आ जाएंगे, तो आपकी परसेंटेज ऑब्वियस सी बात है यार डाउन तो होगी। तो अब मुझे क्या करना है, अपने टाइम को डिवाइड करना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं अपने सब्जेक्ट्स को लूंगा। इसका मतलब चलो मैं मान लेता हूं मैं एक साइंस स्टूडेंट हूं, मेरे पास 5 सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी और इंग्लिश। अब मुझे क्या करना है, हार्डेस्ट टू इजीएस्ट अपने सब्जेक्ट को लिखना है। मान लेते हैं मेरे लिए सबसे मुश्किल सब्जेक्ट है मैथ्स, फिर उससे आसान मुझे लगता है फिजिक्स, उससे आसान मुझे लगता है केमिस्ट्री, देखो सबका अलग अलग हो सकता है, उससे आसान मुझे लगता है बायोलॉजी, और उससे आसान, सबसे आसान मुझे लगता है इंग्लिश। अब हो सकता है किसी बच्चे का इंग्लिश सबसे ज्यादा वीक हो तो वो उसे सबसे ऊपर लगेगा। तो आपको क्या करना है, अपने 5 या 6 के 6 सब्जेक्ट जो भी आपको लगता है जो आपका सबसे आसान है या सबसे मुश्किल है, उसके हिसाब से हार्डेस्ट टू इजीएस्ट के सीक्वेंस में आपको इन सब्जेक्ट्स को लगाना है। अब इसके बाद कोई भी ऐसे 1 या 2 सब्जेक्ट जो आपको लगता है आपकी दुखती नब्ज है, जो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देते हैं, आप अपने स्टडी शेड्यूल में MWF TTS रेगुलर उसको टाइम दे सकते हो, 1 घंटे का 2 घंटे का। लेट्स से मैथ्स और फिजिक्स मेरे बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगते हैं मुझे, तो मैं यहाँ पे रोज 1-1 घंटा टाइम इन दोनों को दे सकता हूँ, 1.5 घंटा टाइम इन दोनों को दे सकता हूँ। और इसके अलावा जो 3 सब्जेक्ट जो मुझे जो आसान लग रहे हैं एज कम्पेयर टू दीज 2 सब्जेक्ट्स, अब देखो हर एक स्ट्रीम का अलग अलग टाइम टेबल यहाँ पे बन सकता है, हर एक बंदे का अलग अलग स्टडी प्लान बन सकता है, तो इस चीज को ध्यान रखना, ये टाइम पे भी डिपेंड करेगा। ठीक है, अभी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स और बताऊंगा, तो ध्यान से इस वीडियो को देखते रहो। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, बेल आइकन को हिट जरूर कर दो, क्योंकि ऐसी बहुत सारी वीडियोज है जो मैं लाने वाला हूं जो आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। अब करना क्या है आपको, आपको इन 3 सब्जेक्ट को डिवाइड कर देना है। हो सकता है किसी एक को आपने MWF डिवाइड कर दिया बाकी, और बाकी 2 को आपने TTS के लिए कर दिया, या फिर हो सकता है कि आपने इन दोनों को MWF के लिए कर दिया और इस एक को TTS के लिए कर दिया। इस तरीके से आपको प्रॉपरली MWF और TTS का जो आपका फ्री टाइम है उसके अंदर इन सारे के सारे सब्जेक्ट को डिवाइड करना है। लेकिन एक चीज का आप ध्यान रखो, आपके पास यहाँ 6 घंटे का फ्री टाइम है, यहाँ पे 5 घंटे का फ्री टाइम है,
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास एक साथ इकट्ठा टाइम है। हो सकता है एक घंटा आपका मॉर्निंग में आपका फ्री था, दो घंटे आपके आफ्टरनून में फ्री थे, और दो घंटे आपको रात को या शाम को फ्री थे। तो आपको अलग अलग टाइम देख के कि भाई कहां कहां मेरा टाइम खाली है, उसके हिसाब से अपने सब्जेक्ट्स को डिवाइड करना पड़ेगा। और जब आप अपना पूरा का पूरा सब्जेक्ट डिवाइड करके यहाँ पे चार्ट पे लिख लोगे कि कितना कितना टाइम मैं कहां कहां पे देने वाला हूं, तो जाके आपका स्टडी प्लान बन पाएगा। तो आई होप आप लोगों को यहां तक समझ में आया होगा। अब तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बताने वाला हूं, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई सारे बच्चे एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक करते हैं। मान लेते हैं मैंने स्टडी प्लान बना लिया, अपना फ्री टाइम देख लिया, अपने सब्जेक्ट्स को टाइम भी मैंने डिनोट कर दिया कि मैं इस डेज में ये चीजें पढ़ने वाला हूं। उसके बावजूद एक हफ्ते दो हफ्ते तक पढ़ने के बाद जब मैं तीसरे हफ्ते अपनी बुक को खोल के देखता हूं और स्टार्टिंग से देखता हूं मैंने कहां से पढ़ना स्टार्ट किया था, तो मुझे ऐसा फील होता है यार मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है। तो यार ये कॉमन चीज होती है, हर एक बच्चे के साथ होती है। आपको हर वक्त हर एक चीज याद नहीं रह सकती कि आपने क्या क्या पढ़ा था। आपको रिव्यू करने की जरूरत होती है, आपको रिवाइज करने की जरूरत होती है। तो अल्टीमेटली जब आप मंडे से लेकर सैटरडे तक ये स्टडी प्लान फॉलो करोगे, तो आपको एक रजिस्टर भी मेंटेन करना है। ये रजिस्टर आपका होगा रिकॉर्ड करने के लिए कि आपने कितना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। लेट्स से आप मंडे से इसकी शुरुआत करने वाले हो, तो मंडे को जो आपने स्टडी टाइम डिवाइड कर रखा है अपना सब्जेक्ट्स का, तो आप लिखोगे मंडे ये डेट है। अब टाइम जो जो आपने डिवाइड किया है उस टाइम पे आपको उस सब्जेक्ट के सामने लिखना पड़ेगा कि आज आप कौन सा टॉपिक करने वाले हो। ऐसे ही अगले टाइम पे मैंने इसका ये कर लिया, आज मैंने इसका ये कर लिया, समझ में आया। और इसी तरीके से हर एक दिन आपको चीजों को रिकॉर्ड करना है कि आपने क्या क्या चीजें कर ली है। और संडे को आपको अपना सेल्फ टेस्ट कंडक्शन करना है। इसका मतलब आपको ये देखना है कि आपने पूरे वीक के अंदर क्या किया, और आप अपने सेल्फ टेस्ट कंडक्ट कर सकते हो। इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो भी बना सकता हूं कि आप अपने टेस्ट कैसे ले सकते हो। तो आई होप आपको यहां समझ में आ रहा होगा। और इससे होगा क्या, दो वीक बाद, तीन वीक बाद जब भी आप किताब खोलोगे और उस रजिस्टर को देखोगे कि मैंने क्या क्या कर लिया है, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि यार मेरी इतनी चीजें कंप्लीट हो गई हैं। आपके पास प्रूफ होगा, आप बार बार ये फील नहीं करोगे कि यार मैंने तो अभी शुरुआत भी नहीं की है। क्योंकि हर बच्चे को यही फीलिंग आ रही होती है, जब भी वो किताब उठाता है तो उसको लगता है जिंदगी में पहली बार मैंने ये किताब उठाई है, जबकि उसने पिछले हफ्ते ये किताब पढ़ी थी। लेकिन जब रजिस्टर में हम चीजों को नोट करेंगे कि हम क्या क्या कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली हमारा कॉन्फिडेंस डेवलप होने लग जाएगा। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि एक हार्ड एंड फास्ट रूल है, इससे आप बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हो, लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूं कि कुछ ना करने से अच्छा बहुत कुछ कुछ ना करने से अच्छा एटलीस्ट कुछ करना ही है। और अगर मैं इस वे की बात करूं, कि ये कितना वर्दी है, कितना सक्सेसफुल है, तो मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इस स्ट्रैटेजी को यूज किया है, इवन पिछले साल भी स्टूडेंट्स ने किया है, और इसके जो रिजल्ट्स थे वो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग थे, समझ में आ रहा है। लेकिन अगर 1% फिर भी किसी बच्चे को ये लगता है कि यार काम करेगा नहीं करेगा, यार वैसे भी तो तुम कुछ कर नहीं रहे हो ना, तो कम से कम ट्राई तो करके देखो, गिव इट अ ट्राई। और मैं मानता हूं जब आप ट्राई कर रहे होगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। तुम कहोगे कि सर ये हो गया, वो हो गया, फलाना हो गया, ठिकाना हो गया, तो तुम कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो और उन प्रॉब्लम्स का भी सॉल्यूशन सोचना है। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही ये होती है कि हम पहले प्रॉब्लम को देख रहे होते हैं और सॉल्यूशन के बारे में सोच नहीं रहे होते। तो आई होप गाइस आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आप लोगों को मेरी बातें समझ में आई होंगी, एक एक बात समझ में आई होगी, और आप आज से ही एक्ट करने वाले हो, आप आज से ही अपना स्टडी प्लान बनाने वाले हो और अपनी प्रॉब्लम्स को नहीं देखोगे, सॉल्यूशन को देखोगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज और सबसे बड़ी चीज ये है कि गाइस प्लीज आई रिक्वेस्ट From the core of my heart कि आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर करो और शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आप लोग दूसरों की हेल्प करोगे तो आपकी हेल्प जो है वो भगवान करेगा, एक पॉजिटिव पावर करेगी, मैं करूंगा आप लोगों को सपोर्ट। तो प्लीज यार इस वीडियो को शेयर जरूर करना और कमेंट बॉक्स में मेंशन करके मुझे जरूर बताना कि आप इस स्टडी प्लान को फॉलो करने वाले हो या नहीं करने वाले हो। और जो भी बच्चा 12th क्लास का है जो हमारी इस वीडियो को देख रहा है, तो गाइस हमारी मैराथन की एक सीरीज चल रही है 2021, उसकी प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक जरूर करो। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करो ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस की और हर एक चीज की जो नोटिफिकेशन है, जो इन्फॉर्मेशन है, वो आप लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।